सो गाइस, ये है मोटरोला एज 50 प्रो जो कि कर्व डिस्प्ले वाला फ़ोन है, और इसका कैमरा जो है वो सुपर है। काफ़ी जो फ़ोन है, डिज़ाइन इसका सुपर है और काफ़ी स्लिम टाइप जो फ़ोन है, बेसिकली स्लिम है और डिज़ाइन जो है काफ़ी यूनिक है, इंटरेस्टिंग है भाई, और मतलब प्रीमियम टाइप का बेसिकली डिज़ाइन है। ऐसे में इस फ़ोन के लिए यहाँ पर हमने मंगाया है एक ट्रांसपेरेंट बैक कवर जो इसके डिज़ाइन को, इसके लुक को जो हाइड ना करे। ऐसे में जो उसको अनबॉक्स करेंगे जो हमने यहाँ पर मंगाया है, और साथ ही कंपेयर करेंगे जो इसके साथ फ़ोन के साथ बेसिकली बॉक्स इनबॉक्स जो आता है बैक कवर, दोनों का लुक यहाँ पर जो कैसा होने वाला है। तो ये है बैक कवर इस पैकेट के अंदर जो कि अमेजोन से यहाँ पर मंगाया है। तो भाई निकालते हैं इसको, ये निकालते ही भाई बाहर आ चुका है ये बिल वगैरह ये सब चीज़ें, और इस पैकेट के अंदर है भाई यहाँ पर बैक कवर जो कि भाई ट्रांसपेरेंट बैक कवर है। मुझे काफ़ी सही लगता है ट्रांसपेरेंट बैक कवर जितने भी होते हैं, और बेसिकली इसमें जो फ़ोन का जो लुक है वो छुपता नहीं है, मतलब फ़ोन काफ़ी कूल लगता है उसमें। इस वजह से ही यहाँ पर ये मैंने मंगाया है। अब देखेंगे इसकी फिटिंग यहाँ पर कैसे होने वाली। पैकेजिंग तो काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर निकली, और भाई कुछ इस तरह का बैक कवर है भाई। वाह हा, क्या बात है भाई। जितने भी सिलिकन वाले बैक कवर होते हैं, खासकर जो ट्रांसपेरेंट वाले भाई, वो नए नए आते हैं ना, वो काफ़ी कूल लगते हैं, मतलब इतने ज़्यादा ज़बरदस्त लगते हैं। देखो हाथ भी कैसा नज़र आ रहा है इसके अंदर से। खैर कुछ तरह का है ये, इसको फिट करके देख लेते हैं फटाफट से। सिंपली क्या करना है, इसको इस तरह से रखना है यहाँ पर, और भाई इसको लगा देना। ओहो क्या बात है भाई, फिट तो यहाँ पर स्मूथली हो गया भाई। और भाई एक बार डिज़ाइन देखिए, आह क्या बात है भाई, फ़ोन कितना साइन कर रहा है भाई इसमें। और भाई मज़े की बात देखो, यहाँ पर ये कैमरा बम्प है ना, ये कैमरा जो निकला हुआ उसके ऊपर एक हल्की सी देख सकते हैं रबर टाइप की निकली हुई है, एक रिंग टाइप का बना हुआ है, यानी कि फ़ोन को अब जो नो डाउट आप इस तरह से रख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होने वाली, कोई परेशानी नहीं होने वाली। रगड़ भी दीजिए कोई बात नहीं। तो भाई बैक के कैमरा लेंस को यहाँ पर जो डेफिनेटली यहाँ पर जो सपोर्ट करेगा, और एजेस वगैरह में भी यहाँ पर ये प्रोटेक्शन दी हुई है इन्होंने, और इस तरह से कभी गिरता है तो इस चीज़ को भी हैंडल कर लेगा। खैर नीचे यहाँ पर बॉटम साइड में यहाँ पर माइक के लिए होल है यहाँ पर, और स्पीकर ग्रिल के लिए, और यहाँ पर चार्जिंग वाला पोर्ट टाइप सी पोर्ट के लिए, और साइड में भाई यहाँ पर ट्रिपल माइक देखने को मिलता है, तो एक और होल यहाँ पर है डेडिकेटेड। यहाँ पर जो बटन दे दिए यहाँ पर स्विच के लिए, बेसिकली वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम अप और पावर बटन, और टॉप में भी यहाँ पर जो माइक के लिए यहाँ पर एक और होल यहाँ पर दे दिया। तो रियली इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते ही इस बैक कवर को डिज़ाइन किया गया, और भाई यहाँ पर फ़ोन ना लिटरली एक नंबर लग रहा है भाई, जितना मैं आंखों से देख पा रहा हूँ। खैर कैमरे में भी ऑलमोस्ट ऐसा ही नज़र आ रहा है, खैर लेकिन लग काफ़ी कूल रहा है भाई। ये बैक कवर है जो कि फ़ोन के साथ आया है, अब इसको लगाते हैं। अब लुक में यहाँ पर डिफरेंस देखना आप, जो कितना डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। ये फ़ोन के साथ आया भाई, इसको लगाते हैं। सिंपली इसको इस तरह से रखिए, और भाई ये लग गया, ये भी हो गया फिट। तो ये इस तरह का बैक कवर है, और भाई इसमें भी फ़ोन ना काफ़ी कूल लगता है, मतलब ऐसा नहीं कि लुक को ख़राब करता है, बेसिकली ये फ़ोन का ही हिस्सा लगता है, ये बैक कवर लगता नहीं देखने में जब तक कि आप बॉटम साइड से ना देखें, और जो साइड से भी नहीं पता लगता। खैर इतना फ़ोन का हिस्सा लगता, लगता है फ़ोन ही है, लेकिन ये मेरे को पसंद नहीं है ज़्यादा, मेरे को अच्छा लगा नहीं बेसिकली। हालांकि बहुत लोगों को ये पसंद आएगा, मतलब वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे को ट्रांसपेरेंट वाला ज़्यादा पसंद है, इस तरह के बैक कवर जो क्या करते हैं कि भाई फ़ोन के लुक को हाइड नहीं करते हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा बेटर लगता है। खैर ये ज़्यादा सही लगा, तो फाइनली मैं अब इसको यहाँ पर रेगुलर यूज़ करने वाला हूँ, इसको मैं फ़िलहाल जो बॉक्स में ही रख दूँगा। सो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और जो ये 250 रुपये के समथिंग का शायद जो बैक कवर है, सो ये बैक कवर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और जो फ़ोन के साथ बैक कवर आया, और इस बैक कवर में कौन सा लुक आपको ज़्यादा बेटर लगा, दूसरा जो कौन सा बैक कवर आप यूजुअली पसंद करते हैं, ट्रांसपेरेंट बैक कवर या फिर जो कलरफुल बैक कवर आते हैं जो कि अलग अलग कलर में आते हैं। लेकिन भाई ध्यान रखना, जो और बैक कवर आते हैं हार्ड वाले वो कभी यूज़ नहीं करने चाहिए, उनसे ये वाले बटन वगैरह ख़राब हो जाते हैं, या रबर टाइप का या सॉफ्ट टाइप का, तो बटन यहाँ पर जो ख़राब नहीं करेगा ये, तो वो चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि महंगा फ़ोन है, बटन ख़राब हो गया तो फिर दिक्कत रहेगी। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो पसंद है तो वीडियो कर दें लाइक और शेयर कर दें दोस्तों। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब।